गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीबडी इज़ फाइन एट होम. वी हैव ऑलरेडी डन ईवीएस चैप्टर नंबर 7, लेट अस बी सेव. नाउ टुडे वी विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डिक्टेशन वर्ड्स. Number 1, safe, S-A-F-E, safe. Number 2, stay, S-T-A-Y, stay. Number 3, away, A-W-A-Y, away. Number 4, blades, B-L-A-D-E-S, blades. Number 5, knives, K-N-I-V-E-S, knives. Number 6, wires, W-I-R-E-S, wires. Number 7, slide, S-L-I-D-E, slide. Number 8, read, R-E-A-D, read. And number 10, injured, I-N-J-U-R-E-D, injured. And number 10, person, P-E-R-S-O-N, person. Now, next, dictation words. Dictation words. Number 1, companion, a person who travels with you. This is the meaning of companion. A person who travels with you, जो आपके साथ सफर करे उसको क्या कहते हैं? Companion. Number 2, thorny. Thorny होता है कांटे वाला plant. Plants which have thorns each, that is rose plant. जिनमें कांटे होते हैं उसको thorny बोलते हैं. Injured. Injured हुआ जब कभी लगती है, हम hurt हो जाते हैं ना, उसका meaning है hurt. H-U-R-T, hurt. Okay? Now, tick the correct answer. Always walk on the footpath. Footpath is the right answer. B part. Do not play with knives. Knives is the right answer. Cross the road at the zebra crossing. Zebra crossing is the right answer. Now, question answers. Okay? How can you stay away from an injury? जब आपको कोई इंजरी, जब आपको चोट लगती है, आप how can you stay? आप किसी इंजरी से बच के कैसे रह सकते हो? How can you stay away from an injury? क्योंकि जब आप लोग खेलते हो, कूदते हो, तो आपको चोट लगती है, लेकिन आपने जब खेलना है चोट के बगैर, वो कैसे हो सकता है? वी कैन स्टे अवे फ्रॉम एन इंजरी व्हेन वी फॉलो सेफ्टी रूल्स. अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, हमें कभी भी चोट नहीं लग सकती है. दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकंड, व्हाई शुड यू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस? एंड आपको पता है, ये ऑलरेडी रीड आपने किया है कि इलेक्ट्रिक स्विचेस को हम टच क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पास होती है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है. इसका आंसर है, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस बिकॉज वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर शुड यू क्रॉस द रोड? जब आप बाहर जाते हो रोड पर, कहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन शुड यू रिटर्न होम आफ्टर प्लेइंग? जब आप खेलने जाते हो, फिर आप घर, आप कब वापस आते हो, कब आना चाहिए घर वापस? वी शुड रिटर्न होम बिफोर गेट्स डार्क. और जब हम कभी भी पार्क में कहीं खेलने जाएं, हमें डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले हमें अपने अपने घर में आना चाहिए. दिस इज द फोर्थ आंसर. टुडेज क्लासेस ओवर. थैंक यू.